आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात करेंगे। उनके जीवन परिचय, उनका प्रारंभिक जीवन, उनका शिक्षा दीक्षा और साथ साथ में राजनीतिक सफ़र। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर ज़रूर करें। द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म 20 जून 1958 को एक भारतीय राजनेत्री के रूप में इनको जाना जाता है, इन्हें 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। इससे पहले 2015 से 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल थी। उनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। अब बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन की। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टूडू था। उनके दादाजी और उनके पिता दोनों ही अपने गांव के प्रधान रहे। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया। उनके दो बेटे और एक बेटी हुई। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनके पति तीनों की अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। उनकी पुत्री जो कि विवाहिता हैं और भुवनेश्वर में रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आ गई। दोस्तों, बात करते हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा की। उनका जन्म एक पिछड़े इलाके के अलावा एक आदिवासी परिवार में होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इलाके के एक विद्यालय में ही पूरी की। वहीं इनका ग्रेजुएशन की पढ़ाई भुवनेश्वर शहर से पूरी हुई। भुवनेश्वर शहर में मौजूद रामा देवी महिला कॉलेज में दाखिला लेने के बाद इनकी स्नातक की पढ़ाई पूर्ण हुई। वहीं स्नातक शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत इन्होंने उड़ीसा सरकार में बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर नौकरी प्राप्त हुई। बिजली डिपार्टमेंट में इन्होंने 1979 से लेकर के साल 1983 तक जूनियर असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत रही। वहीं रायरंगपुर में स्थित अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में बतौर टीचर का काम भी किया है। बात करते हैं इनके राजनीतिक सफ़र की। द्रौपदी मुर्मू जी ने साल 1997 में रायरंगपुर नामक जो नगर पंचायत है वहाँ से पार्षद का चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। उनका जीवन राजनीतिक प्रारंभ जीवन हुआ। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर दो बार विधायक बनी। उड़ीसा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू जी को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य व पशुपालन संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था।
द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की नवी राज्यपाल बनाई गई। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू जी को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर है। साथ ही वह किसी भारतीय राज्य की पहली राज्यपाल बनने वाली आदिवासी भी हैं। तो दोस्तों थी ये उनके बारे में कुछ जानकारियाँ। अब भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।